झारखंड के आदिवासी मुंडा समाज में व्यक्ति के मरने के बाद उनकी अस्तित्व और पहचान को बनाए रखने के लिए उनके नाम से हड़गड़ी में पत्थलगाड़ी किया जाता है, जो आज भी खूंटी जिला के सरजुमा गांव सहित अन्य सभी मुंडा इलाके में ये परंपरा जीवित है। पत्थलगाड़ी मुंडा समाज के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण पहचान है। मैं अमिता और ये है मेरा आदिवासी मुंडा समुदाय। आदिवासी मुंडा समाज में आदमियों के गुजरने के बाद उनकी यादगारी में पत्थर गाड़ा जाता है। मुंडे कोरे देरी मने निकाते वो रखा विदा ची हाथुरे मुंडे होड़ रहा हाथुरे ताइन धन होड़ो अपाटा में ते देरी वो रखा विदा। पत्थर गाड़ी एक रीति विधि के अनुसार किया जाता है। घर से ससंदेरी में जाते समय गाजे बाजे के साथ तीन युवतियां माथे में डलिया, जो विभिन्न तरह के अनाजों की सामग्री एवं घड़े में पानी लेकर लोग ससंदेरी की ओर जाते हैं, जो इतिहास के उन गवाहों को प्रमाणित करती है कि आदिवासी मुंडा समुदाय ऋषा मुंडा की नेतृत्व में बोलो एटे घाटी, जिनको हिंदी में बोलन घाटी कहा जाता है, होते हुए भारत आए और अपना देश बसाया। पत्थलगाड़ी रिवाज सामान्यतः दो प्रकार से किया जाता है। जिनका मृत्यु सामान्य तरीके या समय अनुसार होता है उनको सामूहिक रूप से दफनाया जाता है, किंतु जिनका मौत दुर्घटना या असामयिक इसी तरह अलग ढंग से होता है उनके लिए अलग कब्र बनाया जाता है और अलग जगह पर ही उनका पत्थलगाड़ी किया जाता है। जिनके नाम से पत्थलगाड़ी किया जाता है उनके नाम से रास्ते में दो सखुआ के नए डालियों को गाड़ा जाता है और उस पर पूर्वजों की रीति विधि के अनुसार पूजा पाठ किया जाता है। बेटा अच्छी जी मान लिये यहाँ जेते हाटिकटी हमारे रोड़ो गोजो चाचा जी का मगर दिरी चिमिन चिमिन ताई दिन गया। पत्थर को सबसे पहले लोटा में लिया हुआ पानी से आम के पत्तों से छिड़का कर शुद्धिकरण किया जाता है एवं पानी से धोया जाता है। इसके बाद हल्दी लगाया जाता है। पत्थर के ऊपर विभिन्न प्रकार के अनाजों को छिड़का कर उनको समर्पित किया जाता है। अंत में नए सफेद कपड़ा से पत्थर को ढका जाता है। आदिवासी मुंडा समाज में आज भी इसी पत्थलगाड़ी के बदौलत दुनिया में मुंडाओं की अपनी एक विशिष्ट पहचान है। मैं अमिता, झारखंड के खूंटी जिले से, इंडिया अनहर्ड के लिए।